ओके टुडे लेट्स स्टार्ट विद अ लेक्चर ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किस सीक्वेंस में जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन तो इस चैप्टर के अंदर चाहे फील्ड डाउन द लाइन आपको कोई भी रिएक्शन रिएक्शन तो याद ही नहीं करनी है, क्योंकि आप याद करेंगे तो वो नहीं ग्रैस्प आ पाएगा। हाँ, आपको कलर्स का बस एक आइडिया होना चाहिए, उसके लिए मैंने एक चार्ट आपको मेल किया भी है एंड मैं सीक्वेंशियली जाता हूँ जो चीज़ें आप लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक तो ये है कि सॉल्युबिलिटी चार्ट ऑफ ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, दिस वन सॉल्युबिलिटी चार्ट ऑफ ऑल द आयनिक कंपाउंड्स। फिर इसके बाद में हमारे पास में अवेलेबल है कलर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें ब्लैक कलर, ग्रीन कलर कंपाउंड्स हैं। ये वाला जो प्रिंट आउट है इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको अपने रूम में अपनी वॉल के ऊपर इमिडिएटली आज ही लगा दीजिए, आते आते केवल देखते रहिए उसको, आपको और कुछ भी नहीं करना है। इमिडिएटली आज इसका प्रिंट आउट लीजिए और अपने रूम की वॉल पे उसे इमिडिएटली स्टिक कर दीजिए, नंबर वन थिंग। अब जैसे ये कलर्स हैं, कलर्स के अंदर आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, वो धीरे धीरे अभी ऑटोमेटिकली ये भी याद हो जाएंगे। वो कैसे याद होंगे मैं बताता जाऊंगा आपको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स ब्लैक हैं, केवल एक सल्फाइड ऐसा है जो व्हाइट कलर कंपाउंड्स में आता है एंड दैट इज नंबर 23 व्हाइट कलर कंपाउंड्स में आप देखिए जिंक सल्फाइड। तो एक काम की चीज के अंदर हमें ये समझ में आई कि सारे सल्फाइड ऑक्साइड ज्यादातर ब्लैक होते हैं, एक ही सल्फाइड है जो व्हाइट कलर में आता है। डिस्टिंग्विशिंग रिमार्क्स हैं कुछ कुछ धीरे धीरे आते जाएंगे। क्रोमियम के जितने भी है Cr2O3 है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, क्रोमियम सल्फेट है, CrCl3, ये सारे के सारे ग्रीन कलर की कैटेगरी में है। ग्रीन कलर कंपाउंड में देखिए 3, 4, 5, 6 राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें कॉपर के ज्यादातर ब्लू में आ जाएंगे, देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट .5H2O, सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ऑक्साइड सल्फाइड सारे मेजरली ब्लैक कंपाउंड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे राइट। तो ये ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे आइडिया होता जाएगा इन सारी चीजों का भी। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट आउट लेकर के अपने रूम की वॉल पे इसको आज ही स्टिक कर लिए। पिंक कलर कंपाउंड में अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इन केस ऑफ पिंक कलर कंपाउंड मैंगनीज के ज्यादातर कंपाउंड होंगे, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड, MnS, मैंगनीज सल्फाइड, MnO4 नेगेटिव, HMnO4, ये वाले सारे के सारे हो जाएंगे राइट। अच्छा, इसके बाद अब जैसे गैसेस में ये बड़ी काम की चीज है कि जनरली जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आएंगी, कलर्ड गैसेस कौन कौन सी हैं, तो Cl2 कलर्ड है, येलोइश ग्राउन ग्रीन गैस है, Br2 ब्रोमीन ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, I2 की वायलेट फ्यूम्स होती हैं। इसके बाद कलरलेस गैसेस हैविंग सम पंजेंट स्मेल, थोड़ी सी इसको कहते हैं तीखी स्मेल होती है, अमोनिया की होती है, H2S की, रॉटन एग की स्मेल होती है, H2S की, सल्फर डाइऑक्साइड। कलरलेस गैसेस कोई स्मेल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी बेसिक हिंट्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेक्ट करने के लिए, वो अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन के अंदर जाएंगे तब ये चीजें काम में आएंगी राइट। तो इसको आज ही प्रिंट आउट लेकर के अपने रूम की वॉल पे स्टिक कर दीजिए, नंबर वन। सेकेंड एक और मैंने आपको प्रिंट आउट दिया हुआ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम गैसेस, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आज एक बार बस जनरल रीडिंग कर लीजिए, नथिंग एल्स, कुछ भी याद नहीं करना है। अगेन एक जनरल रीडिंग करके वापस अपने रूम की वॉल के ऊपर आज ही इमीडिएटली स्टिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंट आउट व्हिच आई हैव गिवन यू इज सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ये बेसिकली हमने चार्ट दिया हुआ है आपको, तो ये तो अभी हम बेसिक रेडिकल्स के ऊपर जैसे ही मूव करेंगे, इसमें सारे के सारे बेसिक रेडिकल्स के चार्ट है, बेसिक रेडिकल्स के सारे कंटेनर्स चार्ट है कि कौन सा बेसिक रेडिकल किस सीक्वेंस में कैसे डिटेक्ट होता है, ये लास्ट में काम में आएगा। अभी जब हम बेसिक रेडिकल्स स्टार्ट करेंगे आपको समराइज फॉर्म में मेमोराइज करने का काम आएगा। इसके अंदर नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम सॉल्ट्स, सब्सटेंसेस कलर्ड लाइट पिंक। देखिए इसके अंदर ये मैंने दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन वर्सेस इन्फेरेंस, कुछ कुछ चीजें मैंने दे दी है कि मान लो आपको पिंक कहता है तो जनरली क्या होना चाहिए, ग्रीन कहता है तो क्या होना चाहिए, डार्क ग्रीन कहता है तो क्या होना चाहिए। तो ये चीज अगेन फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ऑब्जर्वेशन वर्सेस इन्फेरेंस, आज ही इसको रीड आउट करेंगे अपने रूम की वॉल पे, आज ही इसको स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेम ऑब्जर्वेशन वर्सेस इन्फेरेंस, कंफर्मेटरी टेस्ट का चल रहा है ये, तो फिर भी क्या अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आ जाएगा। अगेन सेम एक ब्रीफ रीडिंग लीजिए अपने रूम की वॉल पे, इमीडिएटली स्टिक कर दीजिए। लास्ट में जाकर के एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का 13 पेज की एक स्मॉल सी मैंने शीट दी है, इसको अभी आपको रीड आउट नहीं करना है, इसके अंदर फिर से समराइज चार्ट ही है, बट एक बार मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे, नीड नॉट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। चलिए आगे हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कलर्स और
आई वुड से ओनली कलर्स, कलर्स को छोड़ करके और कोई रिएक्शन रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन तो अभी जैसे बेसिकली हमारी एनालॉजी ये होगी कि दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो मैं तो अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करूंगा कि भाई क्या बनने वाला है और क्या नहीं बनने वाला है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत याद करना पड़ सकता है बट दैट इज वेरी रेयर। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा याद करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अब इस चैप्टर को हम कैसे डील करने वाले हैं? दिस चैप्टर कंसिस्ट्स ऑफ, एक तो इसके अंदर होते हैं एसिडिक रेडिकल्स, एनायंस। एसिडिक रेडिकल्स हम कहते हैं एनायंस को। देन इसके अंदर होते हैं बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स हम कहते हैं केटायंस। एसिडिक रेडिकल्स इज आयंस, बेसिक रेडिकल्स इज केटायंस। अच्छा, देयर आफ्टर लास्ट एक और इसके अंदर होता है फ्लेम टेस्ट। तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। अब आप देखिए जरा आगे इसके अंदर, पहले हम एसिडिक रेडिकल स्टडी करेंगे, फिर बेसिक रेडिकल, और फिर लास्ट के अंदर हम फ्लेम टेस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे। वी विल कीप ऑन गिविंग मेनी एग्जांपल्स इन बिटवीन। अच्छा, वंस वी कंप्लीट दिस, ये सेगमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन टू एडवांस एनालिसिस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ इस चैप्टर में आपको बहुत ही स्मॉल में, लाइक जैसे अभी मैं ऑलमोस्ट वन आवर में आई विल बी कंप्लीटिंग द एसिडिक रेडिकल, सारे एसिडिक रेडिकल्स में कंप्लीट कर दूंगा। उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया होने लगेगा कि इसके किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस, सेम इन बेसिक रेडिकल, सेम इन फ्लेम टेस्ट। सो आई इंटेंड कि नेक्स्ट टू टू एंड हाफ लेक्चर में आई विल कंप्लीट ऑल दीज थ्री एंड मूव ऑन टू द बेसिक एग्जांपल्स, जिससे आपको एक बेसिक आइडियाज होना स्टार्ट हो जाए किस तरीके से इन चीजों को क्रैक किया था। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड विद एडवांस एनालिसिस कि किसके अंदर क्या क्या सीक्रेट्स थे। वो सीक्रेट्स मैं स्टार्टिंग में रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें अगर एक साथ आ जाएंगी आपका कमांड नहीं आएगा उस चैप्टर के ऊपर, राइट? तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू दिस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये रखता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बैकबोन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेट्स स्टार्ट एड विद एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स के केस में हम जब बात करते हैं, दे आर बेसिकली दो क्लास में डिवाइडेड है एसिडिक रेडिकल, आई वुड से क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए बेसिकली ये है कि क्लास ए के अंदर जो भी रेडिकल्स होंगे इनका एक पर्टिकुलर फिक्स रिएजेंट होगा, उस रिएजेंट को उनके साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स बनेंगे। वॉलेटाइल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है गैसेस। ऑन वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उससे हम इनको डिटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये रेडिकल प्रेजेंट है, आइदर कार्बोनेट प्रेजेंट है या सल्फाइड प्रेजेंट है, व्हाटसो एवर इट मे बी। वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी अभी बीच में एक वो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला चार्ट आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था जैसे पंजेंट स्मेल है, अमोनिया है, H2S है, उनकी पंजेंट स्मेल है, Cl2 येलोइश ग्रीन है, Br2 ब्राउन है, NO2 ब्राउन है, राइट, N2O2 कोई कलर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्लास बी के अंदर बेसिकली वो सारे के सारे रेडिकल्स होते हैं, आई वुड से नो स्पेसिफिक रिएजेंट, एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता ही नहीं, अलग अलग डिटेक्शन करना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक रिएजेंट ही नहीं होगा। अच्छा, क्लास ए की बेसिकली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, आई वुड से ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। व्हेन आई से ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, देन आई डू मीन एक्चुअली होता यह है कि जो ग्रुप वन है इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट H2SO4, और इसका रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इनके तो क्या अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, तो अभी सेपरेटली बात करना शुरू करेंगे। सी व्हाट हैपेंस इज, हम किस सीक्वेंस में टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को भी अंडरस्टैंड करो, आई हैव सीन पीपल जस्ट रिमेंबरिंग कि इसका टेस्ट ये होता है, इसका टेस्ट ये होता है। योर रिक्वायरमेंट इज नॉट जस्ट टू रिमेंबर कि किसका टेस्ट क्या होता है, योर रिक्वायरमेंट इज थिंक इट ऑफ एज पर द लैब प्रोसीजर्स। आप अगर लैब में जाएंगे, आपका एग्जामिनर आपको एक सॉल्ट दे देगा एंड ही विल आस्क यू कौन सा कंपाउंड है, आप ढूंढ करके लेकर के। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो ये नहीं पूछेगा आपसे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा सर, बाई डेस्टिनी इफ ही आस्क कि इसके अंदर सल्फाइड है या नहीं है,
राइट, तब तो आप सल्फाइड का टेस्ट कर लेंगे, बट द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू कम इन दिस वे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आइदर इन आईटीजेई और इन योर लैब प्रैक्टिकल्स. क्वेश्चन विल कम लाइक दिस कि ये सॉल्ट है, आप ढूंढ करके लेकर के आइए कि क्या है ये. वो तो ये भी नहीं बताएगा कि एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करना है, बेसिक रेडिकल का टेस्ट करना है. राइट, आई मीन टू से कि कैटायन का टेस्ट करना है, एनायन का टेस्ट करना है. तो उस केस में फ्रॉम द डे वन ही हम थोड़ा सा अपना दिमाग क्लियर रखें कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. हम सिंपली ये प्रोसीड करने वाले हैं, हमें अगर उसने कुछ अमाउंट दिया सॉल्ट को, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अमाउंट लेकर के हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया. अभी दो तीन बार टेस्ट करने पड़ेंगे तब हमारे पास इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होने स्टार्ट होते हैं. उसमें छोटा सा एक अमाउंट लेते हैं हम सबसे पहले, तो बाकी अपने पास रिजर्व में रखते हैं. बेसिकली छोटा सा एक अमाउंट मैं इसलिए लेता हूँ कि चलो मैं पहले जाकर के एसिडिक रेडिकल का टेस्ट कर लेता हूँ, देन फिर मैं बेसिक रेडिकल का टेस्ट करूंगा. और बीच में बहुत सारे इंटरफेरिंग रेडिकल होंगे कि अगर मैंने कुछ डाला तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, उन सारी चीज़ों को मुझे टेक केयर करना है. राइट, तो अभी अब हम फोकस कर रहे हैं कि एसिडिक रेडिकल का टेस्ट. तो अब मेरे पास सिचुएशन इज, मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्ट आ गया है इस समय. जब मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्ट आ गया, सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में है कि मैं एसिडिक रेडिकल को अभी टेस्ट करने वाला हूँ. मैं डाइल्यूट एच2SO4 डालूंगा. डाइल्यूट एच2SO4 जैसे ही मैं डालूंगा, ग्रुप वन के जितने कल्स होते हैं, अब ग्रुप वन के कौन कौन से रेडिकल्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ. ये जरा मैं रब कर रहा हूँ, प्रीवियस पार्ट मैं 2 मिनट रब कर रहा हूँ. सबसे पहले स्टेप वन थी कि मैंने डाइल्यूट एच2SO4 डाल दिया. जैसे ही मैंने यहाँ पे डाइल्यूट एच2SO4 डाला है, ग्रुप वन के जितने भी रेडिकल्स हैं वो इमीडिएटली रिएक्शन दे देंगे. ग्रुप वन के रेडिकल्स का मतलब ही वही है. एक्चुअली ग्रुप वन के रेडिकल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ग्रुप वन में वही रेडिकल्स हैं. और डाइल्यूट एच2SO4 डालते ही उसके साथ में प्रिलिमिनरी टेस्ट दे देते हैं. प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे देते हैं जिसके हिसाब से हमें दिखाई देने लगता है कि हाँ ये वाला रेडिकल पॉसिबल है. अब देखिए ग्रुप वन के अंदर कौन कौन से रेडिकल्स आते हैं. कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट SO32- सल्फाइड, S2- सॉल्युबिलिटी की वजह से भी प्रॉब्लम्स होंगी अभी इसके अंदर, तो उसका मैं अभी इसके बाद में आपको सॉल्यूशन बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होगा. जैसे अभी सल्फाइड है, अगर मैं लेड सल्फाइड ले लूंगा उठा करके तो टेस्ट ही नहीं होगा. एक्चुअली लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आएगा, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करने वाला है. उसका क्या सोल्यूशन है वो अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूँ. सल्फाइड, देन NO2-, एसीटेट आयन, then S2O3 2-, थायोसल्फाइड. अच्छा, अब इसके अंदर जो रिलेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप इस चीज को समझिए. देखिए मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ. काम की चीज ये है कि जैसे ही मैं डाइल्यूट H2SO4 डालूंगा, अगर इनमें से कोई भी मेरे उस सॉल्ट में प्रेजेंट है तो मेरे को ऑब्जर्वेशन क्या आने चाहिए. यहाँ से CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आनी चाहिए, ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2. यहाँ से भी CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आनी चाहिए, इससे रिएक्ट करते ही डाइल्यूट एसिड है सीधे सीधे. यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आ जाना चाहिए. राइट, सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल आनी चाहिए. यहाँ से H2S गैस मिलनी चाहिए, रॉटन एग्स की स्मेल होती है. यहाँ से NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आ जानी चाहिए. यहाँ से एसिटिक एसिड की विनेगर स्मेल आ जानी चाहिए. राइट, और यहाँ से SO2 गैस भी इवॉल्व होनी चाहिए और प्लस सल्फर की टर्बिडिटी आ जानी चाहिए. यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो H2O3, देखिए इसके बारे में मैं आपको भी 2 मिनट यहीं पे बता देता हूँ. H2O3 2- है, डाइल्यूट एसिड इज एज गुड एज, मैंने तो वाटर में डाल दिया उसको, समथिंग लाइक दैट. राइट, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए डाइल्यूट एसिड यूज कर रहा हूँ और कोई खास फायदा नहीं है उसका. H2O3 2- को जब मैं H2O में डालता हूँ ना, यही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको यही देखते आते हैं. H2O3 2- को व्हेन आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू वाटर, तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में बाइफर्केट होकर के आ सकता है. एक तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर बनाएगा, और एक हो सकता है ये SO4 2- और H2S बनाएगा. अब आप ध्यान से देखिएगा बेसिकली मैंने किया क्या है. होता ये है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, H2O3 2-, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, O-, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. राइट, तो ये जो दो सल्फर सब मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दिस सल्फर एंड दिस सल्फर. अगर मुझसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो यहाँ पे दो तरह से ही मैं लिखता हूँ. इट कैन बी आइदर +40 और +6-2. इफ
nothing is mentioned in that case, most of the time I would prefer this answer as first priority and I would prefer this answer at second priority. क्योंकि अब यहाँ पे देखो आप, ये plus 4 है और ये 0 है. Basically दोनों sulfurs को अलग होना है. वाटर में डाल दिया, दोनों सल्फर्स अलग हो रहे हैं. तो दोनों सल्फर्स किस फॉर्म में अलग हो सकते हैं? या तो प्लस 4 0 की फॉर्म में अलग हो सकते हैं, या फिर प्लस 6 और माइनस 2 की फॉर्म में अलग हो सकते हैं. राइट, अब प्लस 4 0 या प्लस 6 माइनस 2 की फॉर्म में अगर ये अलग हो सकते हैं, देन ये वाली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जब वो पूरा ब्रेक होगा तब कौन से चार्जेस उसके ऊपर होंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ये वाली जो पॉसिबिलिटी होती है वो रिलेटिवली बहुत कम होती है, ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा. तो केवल यही नहीं, यहाँ पे दिस आपको लिखना चाहिए, दिस और ये भी आ सकता है कि आप सल्फेट आयन, मतलब कोई ना कोई एक सॉल्ट और प्लस H2S की रॉटन X की स्मेल आ जाए, दैट इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल. और बल्कि इसी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है प्लस 6 माइनस 2 के साथ. राइट, तो एक पर्टिकुलर एनालिसिस हुआ यहाँ पे कि अगर डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही मैं डालूंगा, इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट होगा तो अकॉर्डिंगली मेरे पास कुछ कुछ आंसर आएंगे. CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस, SO2 की, इनमें फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करेंगे कि दोनों में से कौन सा है, वो भी इसके आगे की बात है. अभी तो मैं प्रिलिमिनरी टेस्ट ले रहा हूँ कि एक चीज डाली अब उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी. सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल, रॉटन एक्स स्मेल, H2S की, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स, एसिटिक एसिड की विनेगर स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल प्लस सल्फर की टर्बिडिटी, या फिर सल्फेट आयन एंड प्लस H2S की रॉटन एक्स स्मेल. राइट, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे समझ में, लॉजिक समझ में आया आपको यहाँ तक? अच्छा, ये जस्ट नीचे वाला पार्ट में दोनों ड्रॉप कर रहा हूँ. अब देखिए आप आगे, अब इसके अंदर एक बड़ी काम की चीज है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था. ग्रुप वन के बारे में अभी हम और थोड़ा डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूसली, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट. ये बड़ी काम की चीज है, ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट. अगर ये आप नहीं बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको वो बताता हूँ. फिर से अगर आप ये नहीं बनाओगे ना, ऐसा हो सकता है आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला और आप बहुत देर तक इसे खड़े हुए, कुछ हो ही नहीं रहा सॉल्यूशन के अंदर, प्रेसिपिटेट्स आ रहे, हो सकता है ना. सपोज एज्यूम करो सल्फाइड है और एज्यूम करो कि लेड सल्फाइड है, आप डाल दो डाइल्यूट H2SO4 के अंदर, PPT दिखाई देगा आपको केवल लेड सल्फाइड का, कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगी. अब जब कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगी तो आप क्या करोगे उस टाइम पे बैठ करके, दैट इज द प्रॉब्लम. राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूबल ही नहीं होते हैं सॉल्ट्स. राइट, अब जब वो सॉल्ट सॉल्यूबल ही नहीं होंगे उस केस में आप कहेंगे, अब देखिए कुछ कुछ चीजें पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं. नंबर वन होता है ये, तो अब क्रक्स की बात ये हुई कि जब मैं एसिडिक रेडिकल का टेस्ट कर रहा हूं ना, मेरे लिए सबसे अच्छा काम है कि मैं कैटायंस का रिमूवल कर दूं, बेसिक रेडिकल्स का रिमूवल कर दूं अपने सॉल्ट के उस सैंपल में से जिस सैंपल को मैंने लेकर के टेस्ट करना शुरू किया है, ताकि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो. क्योंकि होता क्या है कैटायंस में, अगर आप इनको छोड़ दो Na+, K+ एंड अमोनियम आयन एक्सेप्ट दीज, मोस्ट ऑफ द कैटायंस will interfere in our test. जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था लेड सल्फाइड. तो मेरा क्रक्स ऑफ द मैटर सबसे पहले ये है कि मैं इसको अगर हटा दूंगा तो वो रिलेटिवली ज्यादा बेटर रहेगा. राइट, अच्छा, और वन मोमेंट प्लीज. हाँ, तो अब अगर मैं कैटायंस का रिमूवल कर दूंगा तो कम से कम मेरे काम में इंटरफेरेंस नहीं होगा. अब ये इंटरफेरेंस किस तरीके से नहीं होगा वो देखिए, ये रब कर रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट नहीं रब कर रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट पार्ट. इंटरफेरेंस किस तरीके से नहीं होगा कि यहाँ पे जस्ट मैं बता देता हूँ, बाइकार्बोनेट्स ऑल वाटर सॉल्युबल होते हैं सारे के सारे, और कार्बोनेट्स की अगर आप बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम और अमोनियम ये वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी के सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल होना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके बारे में बात नहीं करते. खैर एनीवेज, अब सोडा एक्सट्रैक्ट से आता है, जैसे मैं लेड सल्फाइड की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये होगा Pb2+ इज रिमूव्ड
बाय फिल्टरिंग, ध्यान से सुनते जाइएगा, बाय फिल्टरिंग इट्स वाइट पीपीटी, इसका जो वाइट पीपीटी है उसको फिल्टर करते हुए आएंगे एंड देन सोडा एक्सट्रैक्ट इज टेकन फर्दर। अभी आप पहले कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। एंड देन सोडा एक्सट्रैक्ट इज टेकन फर्दर, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, पीबीएस प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस डिस्टिल्ड वाटर दे लेते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, डिस्टिल्ड H2O बॉइल किया जाएगा इसको, लेड कार्बोनेट का पीपीटी ऑब्वियसली देख लो, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, Na2S बनेगा, लेड कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा एंड प्लस Na2S, सोडियम वोडियम तो फर्स्ट एक ग्रुप से है, सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ये तो हो गया पीपीटी। ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम कहेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट, इसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों कहेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम सोडा एक्सट्रैक्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अब ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैं आगे कैरी ओवर करने वाला हूँ अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता है Na+ K+ अमोनियम प्लस इंटरफेयर करते ही नहीं है कभी भी किसी भी टेस्ट में, सब कुछ सॉल्युबल होता है उनका, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है मुझे, एनायन अलग से मिल जाएगा। तो अब जब मैं इसको कैरी ओवर करूंगा ना, तब मैं केवल सल्फाइड आयन का टेस्ट कर रहा हूँ, पीबीएस को कैरी ओवर करता रहूंगा कुछ टेस्ट ही नहीं हो पाएगा, ये अपना पीपीटी लेकर के बैठा रहेगा, सल्फाइड आयन वो देगा ही नहीं आपको, आप टेस्ट किसका करोगे, लॉजिक समझ में आया। तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले सारे टेस्ट में एसिडिक रेडिकल्स और सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ टेस्ट हैं जैसे एसिटेट आयन का जो टेस्ट होता है, Cl- माइनस आयन का जो टेस्ट होता है, इसके अंदर हम सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते, वो अभी जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ना मैं अभी वहाँ पे बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अभी मैं सोडा एक्सट्रैक्ट कहाँ का नहीं बनाते वो मैं सेपरेटली मेंशन कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल तो आपने जो देखा है इनमें से केवल इसके अंदर सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ हाइड्रोलिसिस की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वो अभी मैं जब उसी को डिस्कस कर रहा आई विल मेंशन इट ओवर देयर ओनली, राइट। तो अभी हाल फिलहाल तो अभी मान के चलिए कि 90% मोस्ट ऑफ द केसेस में सोडा एक्सट्रैक्ट बना लो जिससे सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडा एक्सट्रैक्ट में एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, इसका वन पार्ट लेंगे, रेड मार्कर से लिखता हूँ, इसका वन पार्ट लेंगे सब्सटेंस का, इसके थ्री पार्ट्स लेंगे सोडियम कार्बोनेट के, और 10 to 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, और इसके बाद में इनको आप साथ में बॉइल कर लेंगे, तो इससे जो ये वाला पीपीटी तो हम फिल्टर ऑफ कर लेंगे, ये जो Na2S बनेगा दिस विल बी नोन एज सोडा एक्सट्रैक्ट। तो सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम भी हमारी रिजॉल्व हो गई, स्टार्टिंग से ही हम तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना करके रिएक्शन करेंगे, कहाँ नहीं बनाना है सोडा एक्सट्रैक्ट आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग दैट, राइट। अच्छा, ये पार्ट आपका नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे, एक और काम की चीज होती है इसके अंदर, दैट इज कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट आप ले रहे हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट को इमीडिएटली आप एक डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल HCl के साथ में न्यूट्रलाइज कर दीजिए, बिकॉज एक और प्रॉब्लम भी होगी कि जैसे ही सोडा एक्सट्रैक्ट आप लेंगे ना, आपने जब सोडा एक्सट्रैक्ट लिया तो Na2S तो आ गया आपका, लेकिन Na2S के साथ में Na2CO3 भी आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ये Na2CO3 से HCl के साथ में रिएक्ट कर जाए, क्योंकि ये जो Na2CO3 अब यहाँ पे होगा, this will be basic in nature, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कार्बोनेट आयन प्लस H2O will be giving you something bicarbonate plus OH negative, तो ये तो weak acid है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक इन नेचर ड्यू टू दिस हाइड्रोलिसिस वाला सेगमेंट। तो मैं इस प्रॉब्लम को रिमूव करना चाहता हूँ, बिना वादा भी मैं सॉल्यूशन का बेसिक नेचर कर दूंगा, कुछ और रिएक्शंस पैरेलल में होने लगेंगी, मेरा जो मेन काम है वो अधूरा रह जाएगा, राइट। सो आई वॉन्ट कि HCl डाल देता हूँ मैं, ये जैसे HCl मैं यहाँ पे डालूंगा, इससे रिएक्ट करके वाटर CO2 की तो एवेपोरेशन इवेपोरेट हो जाएगा इमीडिएटली, बाहर चला जाएगा, बेसिकली गैस है और प्लस NaCl ये बन जाएगा, और मेरा ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा, और मैं इसकी रिएक्शन आगे कैरी ओवर कर लूंगा, मतलब जो भी मेरा सॉल्ट है एज इट इज आई विल कंटिन्यू विद दैट,
राइट, सबसे पहले हम सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट का न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे एसिड से, और फिर आगे रिएक्शन को कैरी ओवर करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज नंबर वन थिंग। चलिए अब थोड़ा सा आगे बातचीत करना शुरू करते हैं, ये रखता हूँ अभी मैं ग्रुप वन के बारे में बात कर रहा हूँ, आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप टू एंड क्लास बी ऑल्सो फर्दर आफ्टर दिस। अब देखिए आप अब यहाँ पे जब ये चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, लेट मी टेक फर्स्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके ये तो हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट, कि एक प्रिलिमिनरी आइडिया हो गया कि शायद ये है। अब लेट मी गो टुवर्ड्स द कंफर्मेटरी टेस्ट, कि अगर मुझे एक बेसिक आइडिया हो गया कि हाँ ये है, तो मैं कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहूंगा। आपसे क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, इस रेडिकल को टेस्ट कैसे करोगे, या उसने रिएक्शन दे दिया और वो पूछ लेगा कि ये कौन से रेडिकल का टेस्ट है, इन बोथ ऑफ द वेज, राइट। अच्छा तो अब देखो कि इसके मैं कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा, मैं तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में यार यहीं पे लिखूंगा। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास में तो आता है, राइट, अगर मेरे पास में CO2 आता है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। मैं अभी इसी तरीके से लिखूंगा कि आपको डायरेक्टली यहीं पे याद होता जाए, अदरवाइज वो आप कॉपी वॉपी में लिखते जाएंगे तब तो लाइफ में कभी याद नहीं होगा। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज कि ये या तो बाइकार्बोनेट हो सकता है या फिर कार्बोनेट हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, इट कैन बी आइदर कार्बोनेट और इट कैन बी बाइकार्बोनेट। अब देखिए इनके मैं कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से करना चाहूंगा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा मैं पहले लिख देता हूँ, अभी मैं बहुत यूनिक तरीके से लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, लेट मी राइट इट डाउन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, देन MgSO4, देन AgNO3, और AgNO3 के आगे फिर से HNO3 और अमोनिया, देन HgCl2, एंड देन CaCl2, और CaCl2 का आगे फिर से प्लस अमोनिया। मैं जाता हूँ इसी तरीके से एक बार में याद रख लें, अभी अगर अलग अलग बताऊंगा तो बहुत लंबी जोड़ी स्टोरी हो जाएगी, बहुत सिंपल है यार। अच्छा इसके अंदर एक और बड़ी काम की चीज है, आई विल यूज ग्रीन मार्कर नाउ, मैं कुछ रिमार्क्स इनके ऊपर लगा रहा हूँ, राइट राइट क्रॉस, देन अगेन ओवर हियर क्रॉस, देन क्रॉस एंड देन क्रॉस। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर से एस्टेरिक भी मार्क कर रहा हूँ, एस्टेरिक कुछ ही प्लेस में मार्क कर रहा हूँ, एस्टेरिक इज हियर नंबर वन, and then asterisk is at HgCl2 and then at CaCl2। देखो मैं पहले अपनी टर्मिनोलॉजी को मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसे अभी रब भी कर दूंगा। जहां पे भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने राइट लगाया है, राइट का मतलब है रिएक्शन विद, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, आई नो दैट, लेट मी कंप्लीट दिस, आ जाएगा। राइट का मतलब है रिएक्शन विद वेपर्स इवॉल्व, क्रॉस का मतलब है रिएक्शन विद सॉल्ट मिक्सचर, एसई मतलब सोडा एक्सट्रैक्ट, स्टार का मतलब है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, is distinguishing test। अब आपको बात थोड़ा बहुत समझ में आओगा, now I'll explain it completely। कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास आई, there are only two possibilities, बाइकार्बोनेट हो सकता है या कार्बोनेट हो सकता है। अब मैं इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, अलग अलग है ये, either I'll put कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड और MgSO4 और AgNO3, ये अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट है। जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, राइट लगाया, इसका मतलब मैं CO2 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, यहाँ पे भी CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस लगाया ना, तो इसका मतलब MgSO4 मैंने CO2 में नहीं डाला, मैंने मेरे पास ओरिजिनल सैंपल था ना, आप ऐसे ज्यूम करके चलो 1 kg है, 10 ग्राम मैंने ले लिया था, 10 ग्राम हो गया, अब वापस 10 ग्राम ले लूंगा, MgSO4 की रिएक्शन कराऊंगा कार्बोनेट के साथ, सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में, राइट। इसके बाद यहाँ क्रॉस है, अगेन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन, यहाँ क्रॉस है, अगेन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जो भी प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन, यहाँ एस्टेरिक लगाया हुआ है, वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, बहुत क्लियरली दिखाई देगा मुझे कि बाई कार्बोनेट है या कार्बोनेट है, बात समझ में, राइट।
अब देखो रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, हम खुद ही दिमाग लगाना चालू करते हैं, अपने आप ये भी निकल करके आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनना चाहिए? मैं इनके प्रोडक्ट्स अब ब्लू मार्कर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे यार CaCO3 बनना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की प्रेसिपिटेट आता है इसका, तो व्हाइट पीपीटी मान लो आप, सीधे सीधे मिल्की पीपीटी कहते हैं उसको, दैट इज एज गुड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट, राइट? बेरियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी वन मोमेंट, इन दोनों ही पीपीटी में एक और खास बात भी होती है, बेरियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे व्हाइट पीपीटी आता है आइदर दिस आप यहां पे एक्सेस में ले लीजिए H2O प्लस CO2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये सॉल्युबल होगा, ये भी डिमार्केशन टेस्ट होता है बेसिकली, सल्फेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अभी अगर यहीं पे SO2 गैस होती यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट अगर बन गया होता आगे सॉल्युबल वॉल्युबल नहीं होता वो, अभी आगे SO4 नेगेटिव में क्लास बी के अंदर आएगा, इसके अंदर भी सेम प्लस H2O और CO2 अगर आप आगे डाल देंगे देन इट विल फॉर्म बेरियम बाइकार्बोनेट होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, क्लियर? ओके, MgSO4 अगर डाल रहा हूं मैं, ये पार्ट जरा रब कर रहा हूं, सपोज इफ आई पुट MgSO4 पहली चीज तो कार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्शन है, लिख लेते हैं, लेट मी सी कि अगर कार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्शन है तो क्या बनेगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग ही लिखता हूँ, वहां पे तो बेसिकली अब वही चीज है कि अगर मैंने कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन लिखी थी, अगर मैं बाइकार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन लिखता तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या आती है, अगर कार्बोनेट है तो पहले पीपीटी बनेगा और कुछ टाइम बाद सोल्यूबल हो जाएगा, अगर बाइकार्बोनेट है तो स्टार्टिंग से सोल्यूबल जाएगा, ये तो इन फर्स्ट टू के अंदर ऑब्जर्वेशन आएगी, राइट? फर्स्ट टू कंफर्मेटरी टेस्ट में, इसीलिए वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इतने ज्यादा बेटर नहीं है। MgSO4 वाला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, आप देखिए किस तरीके से, इसके अंदर अगर कार्बोनेट आयन है या फिर बाइकार्बोनेट आयन है, अगर मेरे पास में वन मोमेंट ओके अब जैसे मैंने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ की रिएक्शन करवाई है कार्बोनेट आयन के साथ, प्रोबेबली जो मेरे ख्याल में फर्स्ट ग्लांस प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होने चाहिए यहाँ पे। नंबर वन ऑफ कोर्स ये पीपीटी होगा, ये सॉल्युबल होगा, बाइकार्बोनेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, राइट? इसके बाद अगर इसको भी हम थोड़ी देर हीटअप करते रहेंगे तो फिर ये भी MgCO3 के व्हाइट पीपीटी आएंगे सारे के सारे, कार्बोनेट्स के सारे के सारे व्हाइट पीपीटी होते हैं, राइट? तो एक थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाएगा कि स्टार्टिंग में MgCO3 का तो यहाँ पे पीपीटी आया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होगा, उसको अगर हीटअप करेंगे तो आगे फिर से वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी दे देगा, तो एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि भाई बाइकार्बोनेट है या कार्बोनेट है, इंस्टेंटेनियसली पीपीटी आ रहा है या कुछ टाइम बाद में पीपीटी आ रहा है, तो उससे एक हमें बेसिक आइडिया में स्टार्ट होगा। अच्छा After that, ये रब का गाउन ये रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जरा AgNO3 के केस में। इन केस ऑफ AgNO3 तो बेसिकली अच्छा एक और भी चीज थी इसके अंदर, ये वाला जो टेस्ट भी है ये मोर लेस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आप कह तो सकते हो, तो मतलब डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की प्रायोरिटी वाइज मैं कहूंगा कि ये तो प्रायोरिटी वन के है, अभी आपको और तो पता नहीं है बताता हूं मैं, और ये प्रायोरिटी टू के है, मतलब प्रायोरिटी वन और प्रायोरिटी टू से मेरा कहने का मीनिंग ये है कि बेसिकली जो मैंने MgSO4 में किया था उसमें ये था कि पहले पीपीटी आ रहा था बाद में सॉल्युबल था, और इसके अंदर पहले सॉल्युबल था बाद में पीपीटी आ रहा था, तो वो आपको टाइम के साथ देखना पड़ेगा, तो वो ऊपर वाले भी दोनों ऑलमोस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो सकते हैं, ये वाला डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी नंबर मैं ब्लैक मार्कर से ही लिखता हूँ वन मोमेंट भी, इसको प्रायोरिटी नंबर वन मिलेगी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में, मतलब ब्लैक से प्रायोरिटी नंबर ए और इनको प्रायोरिटी नंबर बी मिल जाएगी, something like that, right?
अच्छा नीचे वाले तो प्रॉपर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, उसमें काफी ज्यादा डिमार्केशन आता है, बट फर्स्ट लेट अस कंसंट्रेट ऑन AgNO3। अब जैसे AgNO3 ये थोड़ा सिंपल है, AgNO3 की रिएक्शन किससे हो रही है, मैंने क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बोनेट आयन से रिएक्शन हो रही है। अगर कार्बोनेट आयन और Ag+ आयन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाया जाएगा, Ag2CO3 बनेगा। आगे ऑन स्टैंडिंग नोबल मेटल है, आगे ऑन स्टैंडिंग Ag2O बनेगा, फिर आगे ऑन स्टैंडिंग सिल्वर का PBT बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन रेड मार्कर से लिख रहा हूं अपना सॉल्यूशन, बेसिकली व्हाइट से येलो और येलो से ग्रे में आपको टर्न होता हुआ दिखाई देगा, आइदर ऑन स्टैंडिंग और ऑन वेरी स्मॉल हीटिंग। देन यू विल कम टू नो कि हाँ इसके अंदर कार्बोनेट आयन्स वगैरह ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, आइदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। वो तो बाइकार्बोनेट से भी यही होगा, तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को ऑलरेडी ये वाला है ही नहीं। अच्छा यहीं पे मैंने एक ये भी किया हुआ था कि अगर HNO3 ऑब्लिक अमोनिया, HNO3 ऑब्लिक अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन हो जाएगी, यहीं पे अगर रिएक्शन होती है तो ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है मेरे ख्याल में। ये वाले रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ, वो तो स्टैंडिंग ऑब्लिगेटिंग पे, और अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा, अगर आप HNO3 और अमोनिया को इसके अंदर डाल रहे हैं सॉल्यूशन को, आई वुड से ये वाला जो पार्ट है सॉल्युबल होगा, ये हमें पता है, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, PBT आएंगे नहीं, ये सारे के सारे PBT है, दिस वाज PBT, दिस वाज PBT एंड दैट वाज रेसिड्यू। अगर आपने इसको यूज किया हुआ है, अगर आपके पास है PBT नहीं आ रहे हैं इसको डाल करके, सॉल्युबल सॉल्ट्स सॉल्युबल सेगमेंट बन रहा है, आप इमीडिएटली सॉल्यूशन को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है ये स्टैंडिंग या फिर स्मॉल हीटिंग जो आप कर रहे होंगे, Ag3N बनाया था एंड दिस Ag3N वाला सेगमेंट इज एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोड कर जाएगा कुछ टाइम बाद, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगर ऐसा आ रहा है दिस इज अ प्रिकॉशन, आप हटाइए इसको इमीडिएटली, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए सॉल्यूशन को, वो थोड़ी देर में Ag3N बन गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा इस टेस्ट के अंदर। ये आप कर रहा हूँ के बाद आप आगे वापस आ जाइए ऑन HgCl2। अच्छा अब इसके अंदर एक दो और काम की चीजें, चलिए वो मैं अभी एंड में बताता हूँ आपको, फर्स्ट यू जस्ट कम बैक टू दिस। HgCl2 के साथ में अगर रिएक्शन होगी, मैंने क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्शन हो रही है। इसकी जब रिएक्शन होती है कार्बोनेट आयन के साथ में, इट एक्चुअली फॉर्म्स HG4O3CO3, बेसिकली मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये जो HG4O3CO3 है दिस इज 3HgO.HgCO3, दिस इज एक्चुअली नोन एज बेसिक मर्करी कार्बोनेट, PPT है, रेडिश ब्राउन PPT, मर्करी के जितने होते हैं वो रेडिश ब्राउन ही आते हैं ज्यादातर, दिस विल बी रेडिश ब्राउन PPT बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब अगर ये रेडिश ब्राउन PPT बनेगा, ये तो कार्बोनेट्स है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ अगर इन केस ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इसलिए मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, यहाँ पे नो PPT और कुछ नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसको करते रहोगे CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाएंगे, वो CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी जो आ रही है वो बाइकार्बोनेट की वजह से ही आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली, राइट। यहाँ से बहुत क्लियरली HgCl2 डाल दीजिए, पता चल जाएगा PPT आ रहा है तो कार्बोनेट है, PPT नहीं आ रहा है तो बाइकार्बोनेट है। CO2 की ब्रिस्क एफर्वेसेंस तो पहले आई चुकी है, वापस सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ पूरे सॉल्ट, क्लियर, ओके। इसके बाद मैंने डाला हुआ है Ca2+, ओके, CaCl2 के साथ में, ये तो काफी आसान सेगमेंट है, फिर से ये रब कर रहा हूँ जरा मैं, CaCl2 के साथ में जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई हुई है, अगर ये रिएक्शन यहां पे कार्बोनेट के साथ में होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT आ जाएगा। अगर ये रिएक्शन यहां पे सपोज बाइकार्बोनेट के साथ में होती है,
यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। आपकी सीक्वेंस है ना, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तब होगा जब आपकी सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे, अदरवाइज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं होगा। होगा ये यहाँ पे आप नंबर वन ये कर लीजिए, कुछ मत कीजिए, और नंबर टू दिस वन। कहने का मीनिंग ये है कि आप सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सोडा एक्सट्रैक्ट लीजिए, CaCl2 डाल दीजिए। अगर इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी आ जाता है तब तो कार्बोनेट है ही। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सपोज सॉल्युबल वॉल्युबल चीजें आ रही हैं समथिंग लाइक दैट, तो आप एक काम कीजिए, आप फिर से सोडा एक्सट्रैक्ट लीजिए, आप CaCl2 डालिए और उसके अंदर अमोनिया ऐड कर दीजिए। आप जैसे ही अमोनिया वहां पे आकर के ऐड करेंगे, आप सोचिए ना कि अमोनिया किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा। कुछ भी नहीं है यार, ये एसिड है और अमोनिया एक लुईस बेस है, तो बहुत सिंपल हो गया यार। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, अमोनिया इसका बाइकार्बोनेट का H+ अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, अमोनियम आयन बनाएगा और रिमेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा फिर से व्हाइट पीपीटी। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर अमोनिया डाले बिना व्हाइट पीपीटी आ गया तो कार्बोनेट है, अमोनिया डाल के अगर व्हाइट पीपीटी आया तो बाइकार्बोनेट है। अमोनिया डाले बिना अगर सॉल्युबल चीजें बन रही है तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं कंफर्मेटरी करूंगा कि हो सकता है बाइकार्बोनेट अवेलेबल हो, क्योंकि CO2 की प्लेस का फर्गसन स्टार्टिंग में आई थी। लॉजिक समझ में आया? तो आप बस इस तरीके से अगर इसको ध्यान रखेंगे, मतलब मुझे लगता है रिएक्शंस करवाइए सीधे सीधे कि क्या रिएक्शंस हो सकती है। तो अपने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो HgCl2 CaCl2 वाला ही होता है, और स्पेसिफिकली मेन तो HgCl2 वाला होता है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। उसके बाद इसमें भी अगर देखना है सबसे बेस्ट ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, देन CaCl2 वाला, और देन बाकी के। और कुछ एक प्रिकॉशन याद रखिएगा कि यहाँ पे Ag3n बन जाता है तो वो एक्सप्लोजिव होता है। लॉजिक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में आपको, ये पार्ट आपका। आगे एक दो और काम की चीजें हैं इसके अंदर, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे अगर जस्ट वैसे ही आ रहा हूं, ऑल्दो इस सीक्वेंस से कोई नया नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। अभी इनके बारे में बात करना मैं स्टार्ट करूंगा, बट जनरली बता रहा हूँ SO2 वर्सेस CO2 कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों को अगर मैं लाइम वाटर के साथ में डाल देता हूँ सपोज, तब तो बहुत सिंपल होता है। इफ आई पुट देम इन लाइम वाटर, ये कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसका भी व्हाइट पीपीटी है, इसका भी व्हाइट पीपीटी है। तो इनका जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कैल्शियम सल्फेट का स्टेबल व्हाइट पीपीटी बना लेगा और यहां पे नो रिएक्शन रहेगी, राइट? देखो ये तो ऑलरेडी कार्बन तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। इसको हम कहते हैं डाइक्रोमेट टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन SO2 एंड CO2। बहुत अच्छा टेस्ट तो नहीं है, उसकी वजह यह है कि स्टिल यहाँ पे अभी भी व्हाइट पीपीटी होगा और यहाँ पे भी, अच्छा एक मिनट, SO3 2- ठीक है, व्हाइट के अलावा एक बेनिफिट ये भी हुआ है CaSO4 के साथ में, यहाँ पे ये तो उतना नहीं बनेगा, Cr2SO4 बन जाएगा, ये ग्रीन होगा। तो बेसिकली वो व्हाइट के ऊपर तो ग्रीन कलरेशन एनीवेज डोमिनेट करने वाला है, तो ग्रीन कलरेशन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, तो ठीक है, फिर ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, राइट? अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा एक और बड़ी काम की चीज है, ये रब कर रहा हूं मैं। अगर मान लो आपको ये देखना है कि सपोज जैसे कार्बोनेट्स हैं, मान लो कार्बोनेट्स की, अब देखिए मैं अगर रिएक्शन करवाना स्टार्ट करता हूँ, सपोज इफ इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड एंड सपोज इफ आई पुट इट इनटू H3BO3/HCl, इन दैट केस यहाँ पे तो ये एसिटेट आयन और H+ बन जाएगा और फिर ये आगे कार्बोनिक एसिड बना देगा, बट यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आप उस तरीके से देखिए ना कि एसिटिक एसिड वाला जो सेगमेंट है, एसिटिक एसिड, अगर एसिड स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगा, देन एसिड स्ट्रेंथ में
ACOH is better than carbonic acid, but H3BO3, boric acid, oblique HCNR weaker than H2CO3. राइट, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्शन करवानी पड़ेगी। यहाँ पे ठीक है, आप H2CO3 बना दीजिए, लेकिन ये तो खुद ही वीक एसिड है, तो ये कार्बोनिक एसिड के रेस्पेक्ट में H+ नहीं देंगे, कार्बोनिक एसिड खुद डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन किससे रिएक्ट करने वाला है, कौन किससे रिएक्ट नहीं करने वाला है। राइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इंक्लूड्स बेसिकली कि अब जैसे कार्बोनेट आयन है, फॉर एग्जांपल ये रख कर लूंगा, यहाँ पे आप यहीं पे मार्क करते ही आते हैं ना, इसके अंदर आप सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे या सोडा एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करेंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट आप यूज नहीं करेंगे, कार्बोनेट आयन खुद ही डाल दोगे तो टेस्ट किसका करोगे यार? सोडा एक्सट्रैक्ट के अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे होते हो, राइट? तो अगर आप पता है कि भैया कुछ ब्रिस्क एफलोरेसेंस वगैरह आ गई है, तो सोडा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर यूज नहीं करने वाला हूँ मैं। सोडा एक्सट्रैक्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये ध्यान रखना कार्बोनेट आयन है या नहीं है कुछ पता नहीं है, आपने खुद ही डाल दिया कार्बोनेट आयन, तो वो एक स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से मैं हरेक में भी बताता जाऊँगा आपको। राइट, ओके।